एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है सॉइल, जिसको हिंदी में हम मिट्टी बुलाते हैं, फिर मृदा बुलाते हैं। तो सॉइल का मतलब क्या होता है? सॉइल जो है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि हमें नेचर से प्राप्त होती है। ठीक है, मिट्टी को आप अपने घर पे नहीं बनाते हो ना, नेचर ने आपको प्रोवाइड की है, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल जो है वो क्या क्या काम करती है हमारे लिए, तो अगर आप देखोगे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो खड़े हो पाते हैं मिट्टी में, सीधे खड़े हो पाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि मिट्टी जो है उन्हें एंकरेज प्रोवाइड कर रही है, उनकी रूट्स को टाइटली होल्ड करके रखती है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करती है, जो आपके पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। आपको पता ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम भी सॉइल करती है। पानी जो होता है वो भी हम मिट्टी में डालते हैं, और वो जो पानी है वो भी सॉइल किससे, पौधा किससे लेता है? मिट्टी से लेता है। और अगर कभी कभी हम पानी डालना भूल जाते हैं तो आपको पता है ना, नीचे ग्राउंड लेवल पे जो इतना सारा पानी प्रेजेंट है उसको यूज कर लेती है सॉइल। सॉइल जो होती है वो बहुत ही एसेंशियल है एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी कि खेती करने के लिए। आप सोचिए, अगर मिट्टी नहीं होगी तो आप खेती कभी कर पाओगे? अगर किसी इंसान के पास लैंड ही नहीं है तो वो खेती कैसे कर पाएगा? ठीक है, तो एग्रीकल्चर करने के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स, स्नेक्स, ये सब कुछ कहाँ रह रहे होते हैं? जमीन के अंदर रह रहे होते हैं, मिट्टी के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर भी होती है मिट्टी। उसके बाद होता है सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल का एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार स्कूल में किया भी होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सॉइल की है ना बहुत सारी डिफरेंट लेयर होती है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी उठा के लेके आनी है, लंप अगर वो है तो उसको आपको ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना है। फिर एक ऐसा ग्लास जिसमें आपने ना 3 पार्ट तक पानी भरा है, उसमें आपको ये मिट्टी डाल के घुमा देनी है। फिर आप है ना उसको छेड़ेंगे नहीं, अनडिस्टर्ब आपको छोड़ देना है उसको। तो जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो तो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा ऐसी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन जाएगी। तो सबसे पहली जो लेयर हमें दिख रही है, जिसमें ना छोटे छोटे रॉटन लीव्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सड़ी गली पत्तियां छोटी छोटी दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बुलाते हैं, ह्यूमस बुलाते हैं। ठीक है, यही हमारी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है ना, आपकी सॉइल में पानी भी होता है, पानी आपने इसमें भी डाला है, और वैसे भी आपकी सॉइल में थोड़ा सा पानी का कॉन्टेंट अवेलेबल रहता है, तभी तो प्लांट्स उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। उसके अलावा क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है, तो क्ले जो होती है वो बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है। क्ले से बड़ा साइज जिनका होता है उसको हम सैंड बुलाते हैं, और सैंड से भी बड़ा साइज जिसका होता है उसको है ना हम छोटे छोटे, आपको पता है ना कंकड़ और पत्थर जो देखने को मिलते हैं हमारी मिट्टी में, उनको हम क्या बुलाते हैं, ग्रेवल बुलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे जब आप सॉइल के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सॉइल प्रोफाइल बुलाते हैं। तो ह्यूमस में क्या क्या आता है? तो ह्यूमस का मतलब होता है रॉटिंग डेड मैटर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है मिट्टी के ऊपर है ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिरते रहते हैं, पत्तियां गिरती रहती है, तो जब वो धीरे धीरे सड़ रही होती हैं, गल रही होती हैं, तो वो क्या बनाती है, ह्यूमस बनाती है। और ये ह्यूमस क्या करता है, हमारी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर किसी सॉइल में ह्यूमस की बहुत कमी होती है ना, तो आप देखोगे क्रॉप्स उगाना, प्लांट्स उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी है ना हम ह्यूमस प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम खुद भी खाद डालते हैं पौधों, ताकि सॉइल जो हमारी है वो पोरस बने, अच्छी बने, क्योंकि जो ह्यूमस होता है ना वो हमारी सॉइल को पोरस बनाता है, उसकी जो टेक्सचर है उसको सुधारता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेटर करता है ह्यूमस। उसके बाद आता है सॉइल बनती कैसे, तो सॉइल जिस प्रोसेस से बनती है उसको हम वेदरिंग बुलाते हैं। तो आपको पता है बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब उनके ऊपर है ना बहुत सारी हवा चलती है, पानी होता है, बारिश होती रहती, गर्मी होती है, धूप निकलती है, फिर उसके बाद एकदम से ठंड आ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते चले जाते हैं। ठीक है, फिर आपको पता है बड़े बड़े पत्थरों को पानी अपने साथ गिरा के लाता है, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स बनते रहते हैं। और ऐसे ही है ना, नदी के किनारे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारा सैंड आपको दिखता है, तो वो कैसे बना है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें ना हवा, पानी, क्लाइमेट ने आपकी मदद की है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, वेदरिंग बुलाते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, अब सॉइल हमारी कैसी होगी, सॉइल की क्वालिटी है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। आपको पता है ना बहुत प्रकार होते हैं मिट्टी के, बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, वो कैसे पत्थर से बनी है, काले पत्थर से बनी है, लाल पत्थर से बनी है, उसमें मिनरल्स हाई थे या फिर उसमें नेचुरल कंटेंट हाई था। ठीक है, तो किस टाइप के पत्थर से बनी है, उसके अलावा वहाँ पे ना मिट्टी जैसी होगी ना उसी टाइप की वेजिटेशन भी उस पर ग्रो करेगी। अब इसका मतलब क्या है, आपने देखा है अगर आप रेत को देखोगे ना उसमें ना बहुत कोई अच्छी क्रॉप्स नहीं उगती है, लेकिन अगर आप लोमी सॉइल को देखोगे तो उसमें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रॉप्स उग जाती हैं। ठीक है, आपने देखा राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पे है ना सैंड ही सैंड है, तो वहाँ पे है ना सिर्फ मिलेट्स ही हम उगा पाते हैं, बाकी की जो हमारे चावल है, गेहूं है, दालें हैं, वो सब हम वहाँ नहीं उगा पाते। ठीक है, क्योंकि जैसी हमारी सॉइल की क्वालिटी होती है वैसी ही क्रॉप्स उसमें ग्रो करती हैं।
ये है डिफरेंट डिफरेंट होराइजन। तो ठीक है, अगर आप सॉइल को देखोगे तो सबसे ऊपर होता है ए होराइजन, जिसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे होता है बी होराइजन। इसमें जो सॉइल का पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं ना। सी होराइजन में पत्थरों का साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा और जो फाइन पार्टिकल्स है वो कम हो जाएंगे। ए होराइजन में आपको दिख रहा होगा एकदम फाइन पार्टिकल्स है, और मोस्टली जो हमारे प्लांट की रूट्स होती है ना वो ए होराइजन तक ही रहती है। ठीक है, स्मॉल की, अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, ट्री बन चुका है, तो उसकी बी होराइजन तक भी जा सकती है, सी होराइजन तक भी जा सकती है। सबसे नीचे होता है बेड रॉक। तो बेड रॉक का मतलब होता है, आपको पता है कभी कभी सबसे नीचे हमारी जमीन में क्या है, पत्थर है, एक बहुत बड़े से पत्थर है वहां पर, उसको हम क्या बुलाते हैं, बेड रॉक बुलाते हैं। तो ये हमारी सॉइल का प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल का क्या मतलब होता है, जब आप है ना, ये देखो ये सॉइल का वर्टिकल सेक्शन है ना, आपने सॉइल को जब ऐसे वर्टिकली देखा तो आपको क्या क्या दिखाई दिया, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक। तो जब आप सॉइल का वर्टिकल सेक्शन देखते हो तो आपको ना डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती है सॉइल की, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सॉइल प्रोफाइल बुलाते हैं। आपके जो हर लेयर होगी ना उसका टेक्स्चर अलग होगा, किसी में पत्थर ज्यादा बड़े होंगे, किसी में फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, उनका कलर भी अलग होता है, उनकी डेप्थ भी अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए होराइजन का साइज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बी होराइजन है, उतना ही बड़ा सी होराइजन है, सब इक्वल पार्ट्स में नहीं है। इस इमेज में चाहे आपको समझ में नहीं आ रही हो ये वाली बात, लेकिन जब आप सॉइल का वर्टिकल सेक्शन खोद के देखेंगे ना तो हर किसी लेयर का एक पार्टिकुलर साइज नहीं होता है। ठीक है, कोई लेयर बड़ी होती है, कोई लेयर छोटी होती है। ठीक है, तो इन लेयर्स को, इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हम क्या बुलाते हैं, होराइजन्स बुलाते हैं। तो कौन कौन सा होराइजन हमारे पास है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और बेड रॉक। ठीक है, अब हम एक एक करके इन होराइजन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि होराइजन्स की क्या क्या स्पेशलिटी होती है। तो ए होराइजन जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसमें हमारी टॉप सॉइल प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये टॉप सॉइल है, यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो ये किस में रिच होती है, ह्यूमस में और मिनरल्स में रिच होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, प्लांट की ग्रोथ के लिए ह्यूमस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ह्यूमस क्या करता है, हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तभी तो हमारे प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको खाना ना दूं तो आप ग्रो कर पाओगे कि, वैसे ही होते हैं प्लांट्स, अगर आप उनको मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करोगे, वाटर प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो लेयर होती है ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है इसमें ना बड़े बड़े बहुत ही टाइट नहीं होगी, क्योंकि आपके पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे ना। आपको पता है ना, पौधों को सांस लेने की भी जरूरत होती है, जो हमारी प्लांट्स की रूट होती है वो सांस भी लेती है। ठीक है, तो अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा तो हमारे प्लांट सही से रह नहीं पाएंगे। ठीक है, पानी को अच्छे से रिटेन कर पाती है। ठीक है, यहाँ पे जो लेयर होती है उसको हम बुलाते हैं टॉप सॉइल फर्टाइल लेयर। ठीक है, बहुत सारे वॉर्म्स भी रह रहे होते हैं, आपको पता ना, यहाँ पे ह्यूमस बन रहा है तो वहाँ पे सड़ी गली पत्तियाँ पड़ी है, तो हमारा ह्यूमस बनाने में मदद कौन करता है, हमारे वॉर्म्स मदद करते हैं, अर्थ वॉर्म, जिसको है ना फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चूहे भी रह रहे होते हैं और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रह रहे होते हैं, और इसी लेयर में मैंने आपको बताया ना स्मॉल प्लांट्स की जो रूट होती है वो इसी लेयर में रहती है। तो ये है हमारी ए होराइजन की स्पेशलिटी, क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ह्यूमस प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, पोरस होती है, सॉफ्ट होती है ये लेयर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बी होराइजन। ठीक है, इसमें ना ह्यूमस की बहुत कमी हो जाती है, इस वाले लेयर में ना ज्यादा देखो पत्ते गिर ही नहीं रहे इस लेयर पे, वो तो ऊपर वाली लेयर पे ही गिर गए, तो यहाँ पे है ना ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हार्ड होगी, पहले वाली लेयर जो हमारी थी ए होराइजन की, जो हमारी लेयर थी वो सॉफ्ट थी, पोरस थी, लेकिन ये है ना कंपैरेटिवली ज्यादा हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, अब है ना टाइटली पैक्ड है। ठीक है, हमारी जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो आपस में थोड़े ज्यादा टाइटली पैक्ड है एज कम्पेयर टू ए होराइजन। ठीक है, और इस लेयर को हम मिडल लेयर भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सी होराइजन। ठीक है, सी होराइजन जो है ये छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है, क्रैक्स और क्रेवेसेस से बनी हुई है। अब यहाँ पे ना फाइन पार्टिकल्स और भी कम हो गए हैं, ह्यूमस कम हो गया है, मिनरल्स भी कम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना पत्थर प्रेजेंट है, बहुत सारे पत्थर यहाँ पे होंगे। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है सी होराइजन में बहुत बड़े बड़े पत्थर के साइज हमको दिख रहा है ना। ठीक है, तो सी होराइजन में क्या होता है, बड़े बड़े रॉक्स आपको दिखाई देंगे, लम्प्स दिखाई देंगे। उसके बाद आता है हमारा बेड रॉक। तो सी होराइजन के नीचे जो है वो हमारा वहाँ पे क्या है, पेरेंट रॉक प्रेजेंट है, जिसको हम बेड रॉक बुलाते हैं। ये बहुत ही हार्ड है और इसको डिक करना, इसको खोदना बहुत मुश्किल है, तो इसको है ना हमें स्पेड की मदद से डिक करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, यानी कि टूल्स यूज करने पड़ जाएंगे आपको। ऊपर वाली जो मिट्टी है उसको आप हाथ से ही खोद लेते हो ना कभी कभी, अगर वो एक सॉफ्ट है, पोरस है, बहुत टाइम से अगर उसमें पानी गिरता रहता है तो आप उसको हाथ से ही खोद लोगे, लेकिन जैसे जैसे आप जमीन में नीचे लेयर्स पे जाते रहोगे उनको है ना खोदना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके साइज का पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता चला जाता है। उसके बाद आता है कितने प्रकार की मिट्टी होती है। देखो मिट्टी के है ना बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन सेवेंथ क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको तीन टाइप पढ़ने हैं,
सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सॉइल क्या होती है, ठीक है। तो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस को मिलके जो मिक्सचर बना होता है उसको हम सॉइल बुलाते हैं। इसके अंदर है ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रह रहे होंगे, जिसमें बैक्टीरिया आएंगी, प्लांट की रूट्स आएंगे, अर्थ वॉर्म्स आएंगे, ये सब है ना सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। उसके बाद आती है सबसे पहले हमारी सैंडी सॉइल, हमारी रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो सैंडी सॉइल जो होती है इसमें है ना बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उनको जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए वो ना एक दूसरे के बहुत पास पास फिट नहीं होते, कॉम्पैक्ट नहीं रहेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे, इसलिए यहाँ पे ना बहुत लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है। तो किसी जगह पे अगर लार्ज स्पेस प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा, हवा भर जाएगी। अगर कहीं पे बहुत जगह होती है तो वहां पे हवा भर जाती है ना, तो यहाँ पे है ना वेल एरेटेड होती है ये। इसमें आप जैसे ही पानी डालोगे आपने देखा ना एकदम से सारा का सारा पानी पी जाता है ये, इसलिए है ना इसके अंदर है ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ये एकदम से सारे पानी को ड्रेन कर देता है। तो इसलिए ना आप देखोगे ज्यादातर इसमें ना अच्छी कोई फसल उग नहीं पाती है। रेतीली मिट्टी में बहुत कम चीजें उग पाती है, मोस्टली मिलेट्स उग पाते हैं, मोटा अनाज जिनको हम बोलते हैं। राजस्थान में आपने देखा ना कितनी कम वेजिटेशन प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैंडी सॉइल प्रेजेंट है जो पानी को बहुत जल्दी ड्रेन कर देती है, अपने अंदर से बहुत जल्दी निकाल देती है। तो इसलिए कोई भी क्रॉप वहाँ पे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, बहुत कम क्रॉप्स ही हम उगा पाते हैं। ऐसी क्रॉप्स उगा पाते हैं जिनको बहुत कम पानी चाहिए, जैसे कैक्टस प्लांट्स होते हैं। उसके बाद आती है हमारी क्ले मिट्टी, ठीक है। तो क्ले मिट्टी जो होती है इसमें है ना फाइन पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्जर साइज। तो आपने देखा था ना सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत बड़े थे, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फाइन पार्टिकल ज्यादा होते हैं, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। क्ले पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के बहुत पास पास पैक हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, और इसलिए है ना हवा के लिए बहुत कम स्पेस रह गया, हवा नहीं भर पाएगी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ना पानी होल्ड हो पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर है ना सैंड से ज्यादा पानी होल्ड कर पाती है। अब यहाँ पे बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स है तो वो पानी को बहुत अच्छे से अपने अंदर होल्ड करके रखे। अगर आप कभी भी क्ले मिट्टी को देखोगे, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है इसमें बहुत ज्यादा पानी, अगर आप एक बार पानी डालोगे ना इतनी देर तक उसका पानी सूखता ही नहीं है, सूखता नहीं। और सैंड में क्या होता है आपने पानी डाला एकदम से खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल ना एक ऐसी सॉइल होती है, देखो यहाँ से है ना 2021 में सीटेट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी सॉइल का नाम बताओ जिसके अंदर है ना लार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो कौन सी सॉइल होती है, वो लोमी सॉइल होती है। इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं, और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए इसको लोमी सॉइल बुलाते हैं। ये बेस्ट सॉइल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल में से सबसे बेस्ट कौन सी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो लोमी सॉइल, ठीक है। लोमी सॉइल किस किस चीज से मिलकर बनी होती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंड, क्ले और सिल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सैंड भी होता है, क्ले भी होती है, सिल्ट भी होता है। और सिल्ट क्या होती है, तो जो रिवर बेड्स के आसपास यानी कि नदी के किनारे आपको जो डिपॉजिट दिखाई देता है उसको हम क्या बुलाते हैं, सिल्ट बुलाते हैं, ठीक है। और सिल्ट का साइज क्या होता है, तो सैंड से छोटा होता है, क्ले से बड़ा होता है। आपको पता है ना सैंड का साइज बहुत बड़ा होता है, क्ले का साइज बहुत फाइन होता है, तो उन दोनों के बीच में लाई करता है सिल्ट का साइज, ठीक है। तो अगर आपको कभी अरेंज करने के लिए आ जाए कि सैंड का बड़ा साइज है, सिल्ट का बड़ा साइज है, क्ले का बड़ा साइज है, तो आपको पता चाहिए सबसे बड़ा है सैंड, फिर आता है सिल्ट, फिर आती है क्ले। क्ले का साइज बहुत ही फाइन होता है, छोटा होता है। लोमी सॉइल के पास है ना राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि ये पानी को बहुत ज्यादा देर तक भी रखती है और बहुत जल्दी ड्रेन भी नहीं करती है। तो यानी कि हमारे पौधों को उगाने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल होती है वो लोमी सॉइल होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो है ना प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। उसके बाद आती है सॉइल के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो परकोलेशन रेट, परकोलेशन रेट का मतलब होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि परकोलेशन रेट में अगर उन्होंने आपसे फॉर्मूला पूछ लिया तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकुलेशन टाइम, ठीक है। और परकुलेशन रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, एम एल बाय मिनट। तो एम एल बाय मिनट क्यों कर रहे हैं हम इसको, वाटर को हम मेजर करते हैं मिली लीटर में, लीटर में, ठीक है। और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, आर में, मिनट में। तो हम यहाँ पे ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूज कर रहे हैं एम एल और मिनट, ठीक है। उसके अलावा है ना पानी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ना मॉइस्चर प्रेजेंट है सॉइल में। सॉइल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, जब आप पानी डालते हो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, वो पानी आपको थोड़ी देर के बाद कहीं दिखाता नहीं है, ठीक है। तो वो परकुलेशन रेट के थ्रू आपने देखा ना धीरे धीरे पानी परकुलेट होकर नीचे ग्राउंड वाटर में कलेक्ट होता है, तो परकुलेशन रेट हमारी उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा है ना सॉइल के पास है ना हवा होती है। अब आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि सॉइल के पास हवा भी होती है, तो कभी कभी है ना आप ध्यान देना, जब आप है ना किसी गमले में आपने बहुत दिन से पानी नहीं दिया था, जब आप उसमें पानी दोगे ना तो आप देखोगे अचानक से उसमें ना बुलबुले उठ रहे होते हैं। तो वो बुलबुले क्यों उठ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे ना वो हवा निकल रही होती है, ठीक है। तो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर बहुत प्रेजेंट होती है, हमारे प्लांट की रूट्स को भी सांस लेना होता है, रेस्पायर करना होता है, तो उसके लिए हवा प्रेजेंट होनी चाहिए। और हमारी सॉइल के पास है ना एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं और वहां पे हवा होती है। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, अगर आप
आपके आसपास खेती होती है या आप खुद गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि लोग है ना थोड़े थोड़े दिनों में अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि ना वो खुरपा लेके फावड़ा लेके अपने खेतों में या फिर गमलों में खुदाई कर रहे होते हैं, यानी कि वो ऊपर की लेयर को ना थोड़ा सा लूज कर देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आपने कभी सोचा है? देखो, अगर सॉइल है ना उसको आप बहुत दिन तक छेड़ोगे नहीं तो वो ना टाइट होती जाएगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, तो हमारे प्लांट्स की रूट्स के लिए ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम चीज़ करते हैं ना गुड़ाई करना, वो इसी चीज़ में हेल्प करती है, हमारे प्लांट्स की रूट्स तक है ना एयर पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है। हमारी सॉइल के पास एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो अगर बहुत टाइट होती जाएगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, तो एयर कम प्रेजेंट होती जाएगी, लेकिन अगर आप सॉइल को लूजन करते रहोगे तो एयर ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा सॉइल के पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, रोडेंट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, ये सब कुछ सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं। अर्थवॉर्म को है ना फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो अर्थवॉर्म होता है वो मिट्टी को खाता रहता है, खाता रहता है, निकालता रहता है, तो उससे क्या होता है वो है ना सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए उसे किसान का दोस्त कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फार्मर फ्रेंड कौन है, तो अर्थवॉर्म जो है वो फार्मर फ्रेंड है। उसके बाद आता है सॉइल एंड क्रॉप्स, तो क्ले और लॉमी सॉइल, ये दोनों की दोनों है ना सीरियल्स उगाने के लिए, यानी कि अगर आप चावल उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, ग्राम यानी कि दालें उगा रहे हैं, तो ये सॉइल है ना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इनके अंदर है ना पानी होल्ड हो पाता है, सैंड नहीं कर पाएगा ऐसा। राइस उगाने के लिए आपको पता है ना चावल उगाने के लिए जिसको हम पैडी बुलाते हैं उसको बहुत पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए ना क्ले सॉइल ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, क्योंकि उसको आपको ने देखा होगा ना चावल जब उगा रहे होते हैं वो पूरा का पूरा पानी में उग रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी सॉइल चाहिए होती है जिसके अंदर है ना वाटर को होल्ड करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो, जो क्ले सॉइल के पास होती है। उसके बाद अगर हम दालें उगा रहे हैं, लेंटिल्स उगा रहे हैं, पल्सेस उगा रहे हैं, तो लॉमी सॉइल इनके लिए बहुत अच्छी होती है, जो है ना बहुत ज़्यादा पानी भी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी बहुत देर तक रहेगा ना, जैसे क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो आपको पता है कभी कभी ना कुछ प्लांट्स आप लेके आते हो नर्सरी से, आपने उसको बहुत पानी पिलाया, बहुत प्यार में आप आ रहे हो, उसको पानी पिलाया जा रहा हो, पानी पिलाया जा रहा हो, वो मर जाता है। थोड़े दिन के बाद आपको पता चलता है अरे वो तो सक्यूलेंट प्लांट था, उसको इतना पानी चाहिए नहीं। तो हमारे कुछ प्लांट्स प्लांट्स में भी ना ऐसी कैटेगरीज होती है, कोई प्लांट होता है जिसको बहुत पानी चाहिए, जैसे कि शुगर गेन एंड बनाना, उनको बहुत पानी चाहिए। ठीक है, उन फसल को आपको बार बार पानी देना होता है, दालों को लिमिट का पानी देना होता है, मोटे अनाज को और भी लिमिट का पानी देना होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत प्यार में बहुत पानी पिला दे रहे हो तो बहुत अच्छा कर दे रहे हो, तो आपको देखना होगा कि आपकी कैसी क्रॉप है, उसको कैसी कंडीशन चाहिए, कैसा पानी चाहिए, ठीक है, कैसी सॉइल चाहिए। जो हमारी कॉटन होती है, कपास होती है, उसको ब्लैक सॉइल में उगना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक सॉइल का एक नाम रेगुर सॉइल भी होता है। ठीक है, सेवन्थ क्लास में तो आपको ये बात नहीं बता रखी, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ। ठीक है, तो क्ले सॉइल में उगती है ये, इसको भी बहुत ज़्यादा क्ले सॉइल पसंद होती है। उसके बाद है ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो उन्होंने टेबल्स बना के दिए हुए थे, जिनसे आजकल वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक जो होता है ना वो हमारी सॉइल को पल्यूट करते हैं। कभी कभी आप है ना मिट्टी को खोद रहे होते हैं, वहाँ पे ना आपको पॉलीथीन मिलती है, तो वो है ना हमारी सॉइल की क्वालिटी को खराब करते हैं, सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स जो मेरी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, पॉलीथीन में निकलने वाले केमिकल्स की वजह से वो मर जाते हैं। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि पॉलीथीन को बैन कर दिया जाए। देखो, गवर्नमेंट तो बैन कर देती है, लेकिन लोग यूज़ करना बंद नहीं करते हैं। ठीक है, चुप चुप के लेकिन सब यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये है ना आपके नेचर के लिए आप हार्मफुल है। पता है, इस प्लैनेट से हम गायब हो जाएंगे लेकिन पॉलीथीन गायब नहीं होगी, इतना टाइम लगता है उसे डिग्रेड होने में। उसके बाद है ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो हम खेतों में डालते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे कीट पतंगे लग जाते हैं फसल पे, उसको मारने के लिए जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारी सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करता है। शुरू शुरू में तो हमें बहुत बम्पर क्रॉप मिलेगी, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार इतना सारा क्रॉप हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कुछ सालों के बाद है ना वो मिट्टी कुछ उगा ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने इतना एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया होगा। ठीक है, तो इनको आपको ढंग से यूज़ करना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद होता है इरोजन। क्या होता है सॉइल इरोजन, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। तो इरोजन का मतलब होता है जब बहुत तेज़ पानी का बहाव आया, या फिर बहुत तेज़ हवा चली, या बहुत तेज़ बर्फ गिर गई किसी जगह पे, और अगर वो अपने साथ है ना लैंड के ऊपर टॉप सॉइल को उड़ा के ले गई, बहा के ले गई, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इरोजन बुलाते हैं। ठीक है, प्लांट की जो रूट होती है वो है ना सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती है, तो जब पानी का बहाव आता है या फिर हवा आती है तो वो है ना मिट्टी को इरोड नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी एरिया पे है ना कोई प्लांट उगी नहीं रखा, ठीक है, वहां पे मिट्टी को किसी ने होल्ड ही नहीं करेगा, तो वो देखो एकदम से आराम से बह के चली जाती है। इसलिए आपने देखा है सैंडी जो एरिया होता है, डेजर्ट वाले जो एरिया होता है, वहां पे हवा के साथ कितने आराम से सैंड बह रहा होता है ना इधर से उधर, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्लांट्स ही प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यही बात अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट में करोगे, नॉर्दर्न बेल्ट में इतने सारे प्लांट्स है, तो वहां पे है ना सॉइल इरोजन बहुत कम हो रहा होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज पानी आ जाता है, सुनामी का पानी आ जाए, बाढ़ का पानी आ जाए, तो वो तो टॉप सॉइल को ले ही जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है टॉप सॉइल बनने में, हमारी 1 सेंटीमीटर की टॉप सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत का काम होता है सॉइल का बनना।
उसके अलावा है ना डिफोरेस्टेशन, यानी कि जब आप है ना प्लांट्स को कट करते हो, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ऑब्वियसली सी बात है, आपने प्लांट को कट कर दिया, ठीक है, तो वो तो होल्ड करके रखने वाला था ना, रूट्स जो थी वो सॉइल को होल्ड करके रखने वाली थी। अब सॉइल को होल्ड करके कोई नहीं रख रहा, तो क्या होगा, सॉइल इरोड होती रहेगी, ठीक है, बहती रहेगी हवा के साथ, पानी के साथ, कुछ भी उसको भाग के ले जाएगा। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स आपको लगाना चाहिए, ठीक है। आजकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि बहुत सारे प्लांट्स हम लगाए, या कोई भी, देखो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके घर में जब भी किसी का बर्थडे हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो ना, तो आपको भी प्लांट्स लगाने चाहिए। और अगर आप उनको है ना पब्लिक प्लेसेस में लगा पाओ तो और भी अच्छी बात है, सब उनको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स अगर आप लगाओगे तो उससे है ना सॉइल इरोजन कम होता है, बारिश होने में ज्यादा मदद होती है, ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, और ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता है। तो उसके अलावा आपको ऑक्सीजन मिलता है, और अगर आपने फ्रूट का प्लांट लगाया तो आपको फ्रूट भी मिल जाएंगे। तो इतने सारे फायदे होते हैं प्लांट्स लगाने के। तो प्लांट्स लगाना बहुत ही हेल्दी चीज़ है, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा।